वेलकम बैक टू क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों। द एवरेज हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट इज दिस मच। ऑन ए पर्टिकुलर डे 3 स्टूडेंट ए बी सी एब्सेंट। द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 37 वाज फाउंड टू बी 162। ए बी हैव इक्वल इन हाइट एंड द हाइट ऑफ सी बी 2 लेस देन सेंटीमीटर दैट ऑफ ए। फाइंड द हाइट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, वी हैव गिवन ए कोई भी यहाँ पे लेट से नंबर मल्टीप्लाई एवरेज दैट शुड बी इक्वल टू टोटल जो है सम होता है। ये रहा मेरे पास 40, ये रहा 163, तो दिस मच विल बी 0। ये रहा 12, एक कैरी लिया 24 और एक 25, 2 कैरी और 4 और 2 मेरा जो बच्चों रहेगा यहाँ पे, तो दिस मच विल बी 4 और 2 6, राइट। तो ठीक है बच्चों, ये मेरा जो है यहाँ पे ओवरऑल जो है थिंग्स रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे होता है कि उन्हें पर्टिकुलर डे 37th जो है बंदे आते हैं और उनकी एवरेज जो रह जाती है 162 जो है बच्चों रह जाती है, यानी 162 को मैं 37 से मल्टीप्लाई जो है कर लेता हूँ, दैट वुड बी 14 1 42 43 4 4 7 और 4 11। तो ये रहेगा 6, ये रहेगा 18 1 3 और 1 4, तो ये 4, ये 9, ये 9 और ये 5, तो ये रहेगा 5 9 9 4। अगर बच्चों इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आई विल गेट ए प्लस बी प्लस सी। इनको जो है जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बना मेरे पास 6, ये बना मेरे पास 3 और ये बना मेरे पास 6, राइट। ये दिस इज 6, 1 कैरी, दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 2, ये 1 कैरी था बच्चों, 11 9 माइनस 9 और ये 1 यहाँ से कैरी, 4 और 1 5, दिस वुड बी 5, राइट। तो इस वे से जो मेरा कंसेप्ट रहेगा। अब देखते हैं बच्चों आगे मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे, आगे जो है गिवन है अब उसको देख लेते हैं। चलिए देखिएगा बच्चों, वी हैव गिवन नाउ नेक्स्ट ए बी सी तीन जो हैं कैंडिडेट हैं। अब मेरे पास ए बी इक्वल इन हाइट, ए एंड बी जो हैं इक्वल हैं हाइट में, एंड द हाइट ऑफ सी इज टू बी 2 लेस देन दैट ऑफ ए, यानी ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये एक्स माइनस 2 जो है रहेगा। तो वी नो दैट द टोटल सम दैट वुड बी 3x-2 इज इक्वल टू 5 to 6, 3x विल बी इक्वल टू 5 to 8, x इज इक्वल टू 5 to 8 डिवाइड बाई 3। तो ठीक है बच्चों, कैंसिल आउट कर लेते, 3 1 3, बचा मेरे पास 2, 3 से 7 पे 21, ठीक है जी। दैट वुड बी देखो 118 3 6, तो 176 सेंटीमीटर जो है मेरा आंसर आ गया बच्चों, जो कि वैल्यू ए की है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।